अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती, और इस दिन फैसला लिया था परमहंस आचार्य महाराज जी ने कि आज वो जल समाधि लेंगे, राष्ट्र हित में आज वो ये जल समाधि लेने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है। उनकी सीधे तौर पर मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ये मांग उन्होंने सीधे तौर पर रखी है। हमारे साथ इस वक्त आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आज आखिरकार वो दिन आ गया जिसका 4 महीने पहले आपने घोषणा की थी, और तमाम हम तैयारियां तो बाहर देख रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है, कैसे जल समाधि लेंगे, अब सबसे बड़ा सवाल ये। अब प्रशासन तो हमारे समझ से यहाँ जो है वो हमको सरजू जी तक पहुँचाने के लिए होगा, और वैसे अभी जैसा अभी हमारे पास में जो सूचनाएं आ रही हैं कि 11 बजे तक जो है हमारी बातों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग आ करके उस पर जो है चर्चा होगी, उस पर वो बताएंगे कि इसमें क्या परेशानियां हैं, कितना वक्त लग सकता है। और ये इतनी चर्चा तो हो गई है कि संविधान की जो धारा 368 है उसके आधार पर विचार किया जा रहा है, तो उस पर मैं आश्वस्त हूँ और देखता हूँ। और बाकी प्रशासन का, प्रशासन तो सुरक्षा में बैठा है, प्रशासन के लेवल का कोई काम नहीं है, ये तो सेंट्रल का काम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है जैसा कि मुझे सूचना मिली कि आएंगे, तो जब वो आएंगे तभी कोई बात बनेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आता है और कोई ठोस आश्वासन नहीं देता है तो फिर जल समाधि लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपकी बातचीत भी हुई है सेंट्रल केंद्र स्तर पर, आपसे आपकी बातचीत हो रही है, और लगातार जो कई ऐसे नाम हैं जो आपके संपर्क में हैं, तो उम्मीद कितनी है कि मना लिया जाएगा या मांग मान ली जाएगी, क्या आपको ही रोका जाएगा एक बार फिर से? मैं नाराज तो हूँ नहीं कि हमको मना लिया जाएगा, हमारी मांग मान लिया जाए देश हित में, और उसको लेकर के जो अभी तक का रवैया रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के जरूर गंभीरता से लिए हैं और इस पर कोई न कोई जो है निर्णय लेंगे, और उसको 11 बजे तक मेरे पास वो सूचना आने वाली। अगर आपको यहाँ से निकलने ही नहीं दिया गया फिर कैसे जल समाधि लेंगे? आप विचार करेंगे नहीं, कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि किस तरह से, या तो आप भी प्रशासनिक लेवल पर अधिकारियों से आप बातचीत करेंगे, किस तरह से आप जल समाधि लेंगे? अब अभी अगर बता देंगे तो फिर प्रशासन उस पर भी निगाह बनाएगा। अच्छा, रास्ता आपने ढूंढ रखा है, दूसरा भी विकल्प है, प्लान बी? कुछ विचार हमने बना रखा है, अब देखता हूँ कि किस मार्ग से मैं वहाँ तक अपने बातों पर खरा उतरता हूँ। मतलब कोई पीछे का रास्ता भी है यहाँ? हाँ, कोई इस तरह का विकल्प है हमारे पास। हाँ। तो वो समय पर उसको हम बताएंगे। लेकिन लग रहा है आपको जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, पीएसी की तैनाती की गई है, वो सिर्फ आश्रम के बाहर नहीं है, वो तो चारों तरफ से घेर लिया होगा। हाँ, मुझे पता लग रहा है कि अयोध्या सील कर दी गई है, और बाहर के हमारे कुछ अनुयायियों ने फोन किया कि नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, एक संत के पास लोग आ रहे हैं, तो लोकतंत्र में तो जनता को इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए, कम से कम संत अगर मरने जा रहा है तो अंतिम दर्शन कर लें, इतना तो आज़ादी देना चाहिए। लेकिन आपके इस समर्थन को कम करने में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है? अब प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रशासन जो है, जो लोग आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं, अगर हम सरजू जी में जल समाधि लेंगे तो कम से कम अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं। नहीं, क्योंकि ऐसे ये नज़ारा हमने कल भी देखा, जब धर्म संसद आपने बुलाई थी तो बहुत बड़ी संख्या हमें नहीं दिखी, कोई बहुत बड़ा नाम हमें नहीं दिखा। हाँ नहीं, ऐसा है कि 29 राज्यों से, हर राज्य से, हर संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। दरअसल में हमने लोगों से कहा कि ये है जो हिंदू सनातन धर्म संसद है, तो इस पर एक ऐसा जो है एक बड़े पैमाने पर 100 करोड़ लोगों तक संदेश जाने के लिए, तो जितने लोगों को हमने बुलाया वो सब आए थे, जैसे पंजाब से भी आए थे, राजस्थान से आए थे, गुजरात से आए थे, और इधर हरियाणा से आए थे, माने 29 राज्य से लोग आए, तो कहीं न कहीं से बहुत गंभीरता से ये लिया गया है। और हिंदू सनातन धर्म संसद के जो है आज गूंज पूरे देश में है, और आने वाला जो समय होगा वो राम राज्य का होगा, और ये हिंदू राष्ट्र की जो हमारी जो है डिमांड है ये राम राज्य की स्थापना के लिए है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले की ये भनक है, ये जो तमाम चीज़ें, क्योंकि राम नाम के सहारे तो सभी राजनीतिक दल अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है, उसी कोशिश में शायद आप भी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में इतना काम किया है कि उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्य से इतना खुश है
कि उनकी नैया तो अपने आप पार हो जाएगी, लेकिन हम लोगों की नैया कैसे पार होगी? क्या हम लोग गोधरा जैसे जिंदा न जला दिए जाएं? और हमारे जो भी हिंदू भाई बहन हैं, तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं की जीवन रक्षा के लिए और फिर से भारत माँ का टुकड़ा ना हो।